कृषि सूचना तंत्र के सुंदरीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम एवं सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कार्यक्रम में शामिल होने आए सोमवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के माध्यम से कृषि मंत्री सुप्रताप शाही ने कहा कि गोरखपुर की जनता ने और उसके साथ उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से भेजा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं, मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने दूसरी पाली की शुरुआत करते ही पहले कैबिनेट के भीतर तीन महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के पक्ष में किए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि क्षेत्र का स्थायी रूप से समाधान निकले। उस दृष्टि से पहला निर्माण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर समस्त किसानों को लाभान्वित किया जाएगा और 12.5 करोड़ जो पहले से तय था 14.25 करोड़ कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, गोरखपुर की जनता ने और उसके साथ पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से भेजा और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पहले से भी ज़्यादा ताकत में सरकार बनाने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूं और जनता मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। मोदी जी की सरकार ने दूसरी पाली के शुरू करते ही पहले कैबिनेट के भीतर तीन महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के पक्ष में किए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि क्षेत्र का स्थायी रूप से समाधान निकले। उस दृष्टि से पहला निर्णय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर समस्त किसानों को उससे लाभान्वित किया जाएगा और 12.5 करोड़ जो पहले तय था 2 करोड़ की संख्या बढ़ा करके 14.25 करोड़ कर दिया। अब इसमें जोत की कोई सीमा नहीं रहेगी, 2 हेक्टेयर से ऊपर के जोत के लोगों को भी पीएम किसान निधि का फायदा पहुंचेगा। दूसरा, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए 3,000 रुपये पेंशन दिए जाने की भी पहले कैबिनेट ने निर्णय किया है। तीसरा, पशुधन सुरक्षा के लिए जिसमें गंभीर बीमारियों की वजह से या संक्रामक बीमारियों से पशुओं की मौत की रोकथाम किया जा सके, इस दृष्टि से सभी पशुओं के टीकाकरण के लिए निर्णय किया है, जिसके अंतर्गत 30 करोड़ से भी ज़्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा और उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्राविधान किया है। इन तीनों ही निर्णय से किसानों के ऊपर जो आर्थिक दबाव था उससे उनको मुक्ति मिलेगी और वह स्वच्छंद रूप से खेती करने में अपनी रुचि को बढ़ा सकेंगे। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण फैसला है। खरीफ का मौसम आ गया है और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार खरीफ के फसलों का विस्तार और प्रसार के लिए राज्य स्तर पर 14 मई को राज्य स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया और अब मंडलीय स्तर पर गोष्ठियों के आयोजन हो रहे हैं। 21 जून के पहले सभी मंडलों की गोष्ठियां हो जाएंगी। आज यहां पर गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें जिलाधिकारी, CDO और हमारे कृषि विभाग, पशुपालन और उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग आदि के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन जनपदों के कुछ प्रगतिशील किसान भी इस गोष्ठी के भीतर आए हैं, जिनके बीच में खरीफ के फसलों के प्रसार या उसके विस्तार के लिए आज रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर में धान की खेती, ज्वार, बाजरा और मक्का की 18 लाख हेक्टेयर और दलहन में उर्द और मूंग और सोयाबीन और मूंगफली की, उर्द और मूंग की 6 लाख हेक्टेयर और सोयाबीन और मूंगफली की 4 लाख हेक्टेयर में खेती का एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। इस प्रकार से लगभग 100 लाख हेक्टेयर में खरीफ के खेती का विस्तार हो, यह राज्य सरकार प्रयास कर रही है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रदेश में बीज उपलब्ध हो गया है। सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर बीज इस समय उपलब्ध हैं। किसान वहां से विभिन्न योजनाओं के अनुसार अनुदानित बीज वहां पर प्राप्त कर सकता है। प्रदर्शन में 100%, बीज ग्राम में 75% और सामान्य बीज वितरण में 60% अनुदान पर उनको बीज उपलब्ध होगा। इस संदर्भ में जल्दी ही कैबिनेट से यह निर्णय हो जाने वाला है। हमने रबी के मौसम में यह छूट उनको पहले से दे रखी है, इसी रेट से हमने रबी के मौसम में उन्हें अनुदान प्रदान किया था। खरीफ के लिए अभी कैबिनेट को अभी जाएंगे उत्तर प्रदेश के किसानों की मेहनत से और कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं को जो हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों के बीच में पहुँचाया, उससे विगत वर्षों में खरीफ के का उत्पादन हमारा तेजी से बढ़ा है। जब
वर्ष 16-17 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में बनी थी उस समय 180 लाख मीट्रिक टन खरीफ का उत्पादन था। 17-18 में वो बढ़ करके 192 लाख मीट्रिक टन हुआ और 18-19 में 200 लाख मीट्रिक टन के करीब है और अगले सीजन के लिए हम लोगों ने 14 लाख मीट्रिक टन यानी 214 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रख करके अपनी रणनीति बनाई है जिसकी इस गोष्ठी में हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। खरीफ अभियान को ध्यान में रखते हुए 4 जून को सभी जनपदों के NIC सेंटर पर हमने एक उत्तर प्रदेश में विशेष प्रयास किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसानों की बात वैज्ञानिकों से कराए जाने का और कार्यक्रम का नाम दिया है किसानों की बात वैज्ञानिकों के साथ। लखनऊ के योजना भवन में NIC पर बैठे हुए हमारे वैज्ञानिक प्रदेश के 75 जनपदों के भीतर NIC के भीतर बैठे हुए किसानों के द्वारा खरीफ की गोष्ठी खरीफ के पैदावार के दृष्टि से चर्चा करेंगे और जो किसानों का प्रश्न या उनका जिज्ञासा होगी उन जिज्ञासा के बारे में भी उनको वहां पर वो समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर सकेंगे। उस कार्यक्रम को सुने जाने के लिए हमने सभी उप निदेशक कृषि के कार्यालय पर भी LED TV लगाई है जहाँ पर किसान बैठ करके देख सकेगा और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी यही व्यवस्था की है जो वहाँ पर देख सकेंगे। कृषि विभाग अपना एक वेबसाइट लिंक भी उपलब्ध करा रहा है जिस पर किसान अपने गांव के भीतर या घर में भी रह करके अपने स्मार्टफोन से या लैपटॉप पर उस कार्यक्रम को उस लिंक से जुट करके और वो उसे देख सकेगा। विगत वर्षों में जो मैंने बताया कि उत्पादन बढ़ा है हमारी योजनाओं के भीतर, हम लोगों ने अपनी योजनाओं में भी जो वर्ष 16-17 में कृषि पर 1517 करोड़ रुपया खर्चा होता था, 17-18 में उसे बढ़ा करके हमने 1647 करोड़ रुपया किया था और 18-19 में 2076 करोड़ किया, जिसमें सोलर पंप, किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी, 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी और बीज कार्यक्रमों के भीतर जो 4 लाख बीज बढ़ता था उत्तर प्रदेश के भीतर उसको बढ़ा करके 7.5-8 लाख कुंटल तक हमने पहुंचाया, तो उसको के लिए जो 1517 करोड़ का खर्चा था इस साल जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है 2018-19 उसमें हम लोगों ने 2076 करोड़ रुपया खर्च किया और इन योजनाओं को किसान तक पहुंचाने में द मिलियन फार्मर्स स्कूल नाम से जो हमने किसान पाठशाला शुरू की थी उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक और कर्मचारी प्रदेश के में 3 संस्करणों में, एक खरीफ, दूसरा रवि और तीसरा जो है वो खरीफ और रवि, ये मिल करके 3 संस्करणों के भीतर लगभग 30 लाख किसानों के बीच में हमारे कर्मचारी और अधिकारी गए और इन कार्यक्रमों के बारे में उनको जानकारी दिया। खेती के लिए उसका एक्सटेंशन जो कार्यक्रम होता है प्रसार का, वह अपने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि जो प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी किया जाए, उस दृष्टि से इन पाठशालाओं में किसानों को जागरूक करने का काम किया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस खरीफ के मौसम के लिए भी हम लोगों ने मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला ये प्रदेश के 16,000 राजस्व ग्रामों में यानी सभी न्याय पंचायत के भीतर लगभग 2 गांव को हम टेकअप करेंगे जिसमें हमारे विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, वैज्ञानिक, KVK के लोग, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, ये सब वहाँ पर जाएंगे और किसानों को खरीफ की फसलों, उससे संबंधित बीमारी, गन्ना उत्पादन, साग सब्जी फलों का उत्पादन, खेती के विविधीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि विभिन्न विषयों के ऊपर उनको उनके बीच में जाकर के उन फसलों के लगाए जाने की तकनीकी जानकारी देने के साथ साथ किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं से भी अवगत कराएंगे। ये 2 चरण में होगा, 10 से 13 जून तक पहला चरण यानी एक न्याय पंचायत का एक गाँव और 17 जून से 20 जून तक उसी न्याय पंचायत का दूसरा गाँव, उस गाँव की जो प्राइमरी पाठशाला या जूनियर हाई स्कूल है जो सुविधाजनक होगा, 9:30 से लेकर के 11 बजे के बीच में 1.5 घंटे की किसानों की पाठशाला कृषि विभाग आयोजित करेगा जिसमें इन सब चीज़ों की जानकारी देगा। उस किसान पाठशाला की तैयारी के दृष्टि से हमने 8 जून को 11 बजे से 2 बजे तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने सभी अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ रखी है कि उनको पाठशाला में जा करके किस मॉड्यूल पर चर्चा करनी है उसके बारे में उनसे उनको नीचे के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, लेकिन उन अधिकारी लोगों को भी उस मॉड्यूल्स की जानकारी देकर के उसी प्रकार से वो कक्षाओं को संचालन करें इसकी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना खरीफ के फसल के दृष्टि से और आगामी रवि के दृष्टि से
उसके टेंडर हो चुके हैं। 12 क्लस्टर में से 8 क्लस्टर फाइनल हो चुके हैं और 51 जनपदों के भीतर प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। 24 जनपदों की रेट अधिक आने के नाते फिर से रीटेंडरिंग की गई है और वह भी मैं उम्मीद करता हूं कि 10 जून के पहले ही उन जनपदों का निर्णय भी हो जाएगा। इस बार हम लोगों ने व्यावसायिक फसलों हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना में संशोधित भी किया है। पहले क्षति का आकलन 7 वर्ष की औसत बीमा के आधार पर 7 वर्ष की का जो उत्पादन था उसके आधार पर होता था, औसत उत्पादन के आधार पर, उस सीमा को घटा करके हम लोगों ने 5 वर्ष कर दिया है। दूसरा, जहां व्यक्तिगत क्षति होती थी, किसी एक गांव के भीतर आपदा आ गई, अंधड़ आ गया या भूकंप हो गया, वहां क्षति होती थी तो वो पूरे एरिया का कवरेज में आता नहीं था, उसमें भी गांव के भीतर कुछ लोगों की क्षति होती थी, तो उसके लिए भी अब 48 घंटे का समय था कि वो बैंक को और बीमा कंपनी को सूचना दें। हमने उसका समय बढ़ा करके अब 72 घंटे कर दिए हैं और इस बार ये अनिवार्य कर दिया है कि बीमा कंपनियां ब्लॉक स्तर पर भी अपना कार्यालय खोलेंगी, जिला स्तर पर थे, पहले तो कहीं खोलते ही नहीं थे। पिछले बार हमने जिला स्तर किया था, अब की बार ब्लॉक स्तर कर दिया है। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो कॉमर्शियल फसलों के लिए में सिर्फ 2 ही फसल की बीमा होती थी, केला और मिर्च की, वो भी 2-2 जनपद के भीतर, 2 जनपद के भीतर केला था, 2 जनपद के भीतर जो है वो मिर्चा था। इस साल हमने उसको बढ़ा करके केला, मिर्च, टमाटर, आम, हरी मटर और आलू को भी उसमें शामिल कर दिया है और लगभग 24-25 जनपदों के भीतर जहाँ जो फसल उगाई जाती है उनको उसका बीमा से वो कवर होंगे। रबी और खरीफ के फसलों में, रबी में 1.5% प्रीमियम किसान को देना होता है और खरीफ में 2% देना होता है। कॉमर्शियल फसलों में 5% उनको बीमा की धनराशि जमा करनी होती है। मैं ये चाहूँगा कि किसान अपने दैवीय आपदा से होने वाले क्षति को, जोखिम को बर्दाश्त किए जाने के लिए वो प्रधानमंत्री फसली बीमा के योजना के भीतर अपने कवरेज को कराएं, जिससे खुदा न खास्ता यदि कोई दैवीय आपदा आती है, बाढ़ आता है, जल प्लावन आता है या सूखा ओवर्षण की स्थिति होती है और जो उनका क्षति होता है उससे उनको भरपाई किया जा सके। मैं उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग और राजस्व के अधिकारियों, जिलाधिकारियों को भी अपने ओर से धन्यवाद दूंगा कि फरवरी महीने में जब पीएम किसान योजना का निर्णय हुआ, क्योंकि पहली 2 तारीख को बजट पेश हुआ था और उस बजट के भीतर उसकी चर्चा हुई थी, 10 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था, फिर भी हमारे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर के 1,56,00,000 किसानों का डाटा कलेक्ट करके और उसको PMFS किसान को भेजा, केंद्र सरकार को भेजा, और उसमें से 1,13,00,000 किसानों के खातों में वो पैसे जा सके। देश भर में कुल 3 करोड़ किसान को पैसा गया था, उसमें से उत्तर प्रदेश के भीतर 1,13,00,000 किसानों के खातों में पैसे पहुँचे, यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगभग 38% का उत्तर प्रदेश को रहा, जिसमें हमारे कर्मचारी अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको भी मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं और उनको बधाई देता हूं। देखिए, वो तो अलग अलग जिले का भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूरे प्रदेश के भीतर जो बताया मैंने कि 1,56,00,000 लोगों के डाटा इकट्ठा हुए थे, विभिन्न कैप लगाए जाने के बाद राज्य स्तर पर 10,00,000 लोग उसमें से हटे, 1,46,00,000 लोगों का डाटा भारत सरकार को गया और भारत सरकार ने जो अपने PMF किसान पर के ऊपर जब उसकी मैचिंग कराई तो उससे 1,13,00,000 लोग उससे लाभान्वित हुए। तो अभी तो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया अब आगे चलेगी। कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हुआ तो चुनाव आयोग ने इस बात को कहा कि 10 मार्च के बाद आप इस प्रक्रिया को नहीं चालू कर सकते और इसलिए अब नई सरकार बन गई है, नए निर्देश अभी जो निर्णय हुए हैं तदनुरूप उसको अभी आने वाले हैं। प्रदेश में 1 करोड़ के करीब थे, 30-35 लाख लोगों को और जल्दी जल्दी उसमें रजिस्ट्रेशन किए गए और फिर उसकी राजस्व विभाग से वेरिफिकेशन कराए। अब आपकी वल्दियत या खाते में आपका नाम मैच नहीं कर रहा है तो वो टेकअप नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, तो अब इन सब चीज़ों को दुरुस्त करके उनको पहुंचाया जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं आज के मौके पर कि सभी किसान को इससे बीमा से कवरेज किया जाएगा, इस योजना से कवरेज दिया जाएगा और उनके खातों में यदि भारत सरकार ने तुरंत खोल दिए तो अगस्त तक जो है वो पैसा उनके खातों में, जिनके खाते में नहीं गए हैं उनके खातों में वो पैसे चले जाएंगे।
17,11,942, उसमें सीमांत और लघु किसान हैं 16,52,486। पीएमएफ किसान को प्रेषित हो सके थे डाटा उस समय तक 11,88,075, जो बेनिफिशियरी हैं उनकी संख्या है 7,87,494 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिनका आया है उनकी संख्या है 7,29,017 और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया है उनका है 5,42,350। जो शेष बचे हुए किसान हैं उनकी संख्या है 9,24,448। मैं आप ये सोचिए कि 20 दिन के भीतर करोड़ों की संख्या में लाखों की संख्या में एक जिले से नाम पहुंचाना, ये कृषि विभाग ने एक रिकॉर्ड कायम किया है और राजस्व विभाग ने ये हमें समझना चाहिए। यदि उनका जो खतौनी है उसमें एक अलग खतौनी डाल दिया उन्होंने और अनुदान लिए हैं उस पर दूसरे नंबर की खतौनी है, तो जब वो खाता जाता है तो मिसमैच करने लगता है। तो इन्हीं चीज़ों का राजस्व विभाग को वेरिफिकेशन करके उसको ठीक करना है।